और ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से। आपको दिखाते हैं सोनिया गांधी की पेशी से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ जारी है, देर शाम तक हो सकते हैं और सवाल जवाब। सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के पास 3 दर्जन सवालों की लिस्ट। एजेएल को 90 करोड़ रुपए की लोन माफी से जुड़े सवाल होंगे। सोनिया की तबियत को देखते हुए एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर्स की टीम तैनात। ईडी ऑफिस के बाहर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद। धरने पर बैठे राहुल गांधी को विजय चौक से हिरासत में लिया गया, बस में बिठाकर किंग्सवे कैंप ले जाया गया। राहुल गांधी बोले, हमें धरने पर बैठने नहीं दिया जा रहा, संसद में चर्चा से भाग रही है सरकार। विजय चौक पर धरने पर बैठे थे राहुल गांधी, राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रहे नेताओं को पुलिस ने रोका। विजय चौक पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने उठाया, कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की पुलिस के साथ जद्दोजहद, बड़ी मुश्किल से हिरासत में लिया गया। कांग्रेस सांसदों का संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च, राहुल गांधी भी हुए शामिल। सोनिया से ईडी पूछताछ का विरोध। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। सोनिया गांधी से पूछताछ से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, विरोध में हवा में उड़ाए काले गुब्बारे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में जनपथ रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, ट्रैफिक रोकने की कोशिश, बस रोकी, सड़क पर बैठे कार्यकर्ता। सोनिया से ईडी के पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सेवा दल का प्रदर्शन, कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस का बयान, कहा अगर गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह नहीं हो सकता तो यह लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, कहा पूरा देश देख रहा है सत्याग्रह का नाटक, गबन का आरोप है तो क्यों ना हो पूछताछ। जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी, कहा ईडी का हो रहा मिसयूज। ईडी के एक्शन के खिलाफ मुंबई में भी कांग्रेस का प्रोटेस्ट, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड में रांची में भी कांग्रेस ने किया सत्याग्रह, कहा सरकार के इशारे पर काम कर रही है ईडी। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह के फेस मास्क लगाकर किया प्रदर्शन, कहा ईडी का राजनीतिकरण हो गया। पटना में भी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने ईडी और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जयपुर में भी ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, भजन कीर्तन गाकर विरोध किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम डरेंगे नहीं, जारी रहेगी लड़ाई, सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कर रही है कोशिश। राजघाट पर प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलने पर बोले अशोक गहलोत, लोकतंत्र में विरोध जरूरी लेकिन इजाजत नहीं दे रहे। और सोनिया गांधी से पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, चाहे कितनी भी एजेंसी लगा लो, गांधी परिवार लोगों के हित में काम करता रहेगा।